इंडिया ए ने इमर्जिंग एशिया कप के अपने दूसरे मैच में यूएई को 7 विकेट से हरा दिया। सोमवार को ओमान के अल अमराद क्रिकेट ग्राउंड में यूएई के कप्तान बासिल अहमद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 50 लगाए जबकि रसिक सलाम ने 3 विकेट लिए। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी की और यूएई को 16.5 ओवर में 107 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया ए की तरफ से रसिक सलाम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट जबकि रमनदीप ने 2 विकेट लिए। 108 रन के टारगेट को भारत ने 10.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आयुष बदोनी ने चौका लगाकर मैच जिताया। यूएई की शुरुआत खराब रही। टीम ने अपने पहला विकेट पारी के पहले ओवर में मयंक कुमार के रूप में गंवा दिया। एक समय टीम का स्कोर 35 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल चोपड़ा ने 50 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए।